इनके लब रंगी की मिठावर थी के जिसने। तो राबिया जी हैं, मालूम ये करना चाहती हैं कि दो बाल्टियों के अंदर गुसल के लिए पानी लिया और एक बाल्टी से पूरा गुसल कर लिया और दूसरी बाल्टी से थोड़ा पानी इस्तेमाल किया गुसल के लिए, तो अब जो बचा हुआ पानी है वह वज़ू में यूज़ हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। यह अमूमन भी सवाल होता है कि लोग नहा लेते हैं गुसल के बाद जो बाल्टी में पानी बचता है तो उसको बाद में बेकार समझ के फेंक देते हैं। अक्सर यही जो है ना रिवाज देखा जाता है घरों के अंदर कि गुसल करने के बाद जो थोड़ा बहुत पानी बाल्टी में बचा तो उसे फेंक देते हैं और बाद लोग पूछते हैं कि उसको इस्तेमाल वज़ू में हुआ या नहीं। तो गुसल के फ़ौरन बाद वज़ू करने की ज़रूरत भी नहीं होती क्योंकि जिसने गुसल कर लिया तो उसमें वज़ू दाखिल खुद ब खुद हो गया, यानी गुसल में वज़ू दाखिल है। और बहरहाल ये कि गुसल करने के बाद कोई ऐसा मामला पेश आया कि जो वज़ू को तोड़ देता हो और उसके बाद बचे हुए बाल्टी के पानी से अगर वज़ू करना चाहे तो वो पानी दुरुस्त है, वज़ू किया जा सकता है, क्योंकि अगर उससे गुसल हुआ है तो फिर वो पानी इस्तेमाल शुदा नहीं होगा। ये अगर ये एहतियात से गुसल किया गया तो बाकी पानी से वज़ू किया जा सकता है, यानी गुसल के बचे हुए। अब सवाल ये होगा कि उसके अंदर छींटे वगैरह जाती हैं नहाते वक्त, तो ये सब सूरतें देखभालने के बाद ही जवाब दिया जाता है कि हाँ उस पानी से वजू उस सूरत में भी हो जाएगा। पत्थर में हसन लाले पुरनवार